अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और करंटीना को एंजॉय कर रहे होंगे। पेंडेमिक की वजह से काफ़ी अरसे से कोई ट्रिप नहीं लगाया था, तो मैंने सोचा आज करंटीना का जो लॉ है वो तोड़ दिया जाए और एक दिन का ट्रिप जो है वो कहीं लगाया जाए। सुबह का वक्त है और मौसम बहुत अच्छा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। आज का जो ट्रिप है वो मकबरा खालिद वलीद के बारे में है, जो मुल्तान से तकरीबन 40 से 45 किलोमीटर के फासले पर है। अगर आप अपना सफ़र मुल्तान से शुरू करें तो 10 या 12 किलोमीटर के फासले पर अड्डा बोसन आ जाता है। अड्डा बोसन के बाद कुछ फासले पर अड्डा सलारवैन आ जाता है और सलारवैन के बाद छोटा सा शहर जिसका नाम नवा शहर है वो आ जाता है, और नवा शहर से ये मकबरा 10 किलोमीटर के फासले पर। अगर आपने सुबह का नाश्ता नहीं किया तो अड्डा सलारवैन पर अनवर चिकन बिरयानी पॉइंट है। यहाँ पर बेहतरीन किस्म की चिकन बिरयानी मिलती है और आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। ये अड्डा नवा शहर है और नवा शहर के चौक से आप लेफ़्ट हो जाएंगे सराय सिद्धू रोड पर, और मकबरा जो है यहाँ से 7 या 8 किलोमीटर के फासले पर है। ओए मोहम्मद यार, हम थोड़ा सा आगे आ गए, यहाँ से पीछे मुड़ना पड़ेगा। यहाँ पर मकबरे की तरफ मुड़ने के लिए रोड के ऊपर एक साइन बोर्ड भी लगा हुआ है, लेकिन अब वो बेकार हो चुका है, उसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ। आप मेन सड़क से अंदर मुड़ेंगे तो एक डंडी शुरू हो जाती है फसलों के दरमियान से। यहाँ पर गाड़ी का आना मुश्किल है, जो लोग गाड़ी पर आएंगे वो तकरीबन 1 किलोमीटर पहले अपनी गाड़ी पार्क करके फिर आगे पैदल आएंगे। यहाँ पर मोटरसाइकिल बड़ी आसानी से आ सकता है। खेतों के दरमियान से खूबसूरत पगडंडी से होते हुए तकरीबन 1 किलोमीटर के बाद मकबरा जो है वो आपको नज़र आना शुरू हो जाता है। ये लें जी, अब हम मकबरे पर पहुँच गए हैं। ये है मकबरा खालिद वलीद।
मकबरे के अंदर जाने के लिए तकरीबन 20 से 25 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, और जो कब्र मुबारक है वो सतह ज़मीन से तकरीबन 30 फुट की बुलंदी पर है। ये मकबरे के अंदर की राहदारी है और मकबरे के चारों तरफ फैली हुई है। अवामुल नास में ये मकबरा खालिद वलीद के नाम से मशहूर है, लेकिन मेरे उस्ताद और डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन के चेयरमैन डॉक्टर करीम मलिक की तहकीक के मुताबिक साहिब कबर का नाम खालिक वली है। अब तो महकमा आसार कदीमा ने मकबरे के अंदरूनी हिस्से में सीमेंट से प्लस्तर कर दिया है, लेकिन एक तहकीक के मुताबिक ईंटों पर कुरान मजीद को तराशा गया था और उन ईंटों से मकबरे की अंदरूनी दीवारों की तामीर की गई थी। साहिब कबर महमूद गजनवी के साथ मुल्तान आए थे और यहीं पर वफात पाई। ये मकबरा मुल्तान के गवर्नर अली बिन किरमाख ने 1175 और 1186 के दरमियानी अरसे में तामीर करवाया था। मरकत की लंबाई तकरीबन 13 से 15 फुट है और प्रोफेसर सैयद जाहिद अली वास्ती के मुताबिक कदीम ज़माने में खासुल खास शख्सियात की कब्रों को इसलिए लंबा बनाया जाता था ताकि वह दूसरी कबूर से मुनफरिद नज़र आए।